नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज हम आपको बता रहे हैं कैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर एमएस वर्ड फाइल के फॉन्ट फॉन्ट साइज फॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। दोस्तों कभी कभी हमारे ऑफिस से संबंधित काम ऐसी जगह आ जाते हैं जहां ना तो हमारे पास लैपटॉप होता है ना ही कंप्यूटर। अगर हमें इस तरह का काम मोबाइल में करना हो तो कैसे करें, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम आपको मोबाइल फ़ोन के अंदर फॉन्ट के स्टाइल चेंज इंक्रीज फॉन्ट साइज जैसे संबंधित फंक्शन को जानेंगे और उनका उपयोग करना आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे पहले एक ऐप इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पर आपको प्ले स्टोर में जाना है, ऐप का नाम है PPS ऑफिस। इस ऐप को इंस्टॉल करने से आपकी MS ऑफिस की जितनी फाइलें MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, MS एक्सेस, आउटलुक सभी यहाँ पर ओपन हो जाएगी एंड PDF फाइल भी आपको ओपन होगी। बस आप एक ऐप इंस्टॉल कीजिए, बाकी सारी जो फाइलें कंप्यूटर से रिलेटेड सारी एक्सेस होगी। ठीक है, तो हम इस ऐप के थ्रू ही उसमें चेंजेस करेंगे MS वर्ड फाइल में। तो यहाँ पर हम इसको क्लोज करते हैं और नेट ऑफ करते हैं। इससे क्या होगा दोस्तों, जो आपके नेट ऑन होने से यहाँ पर आपको प्रॉब्लम आएगी वर्कर, तो नेट आप ऑफ कर दीजिए। हम जाते हैं VPS ऑफिस के अंदर, जैसा कि हमारा ऐप ये है। यहाँ पर आपकी VPS ऑफिस ओपन होने के बाद आपको ओपन दिखेगा, आप ओपन पे सिंपल सा क्लिक कीजिए एंड यहाँ पर आपको आइकन दिखेंगे। आपकी फाइल MS वर्ड से रिलेटेड है तो आप डॉक पर क्लिक करेंगे। डॉक पर क्लिक करने के आपकी मोबाइल के अंदर जो जो MS वर्ड की फाइल है वो शो होने लगेगी, पर्टिकुलर डिवाइस में या ड्राइव पर वो यहाँ से आप नीचे से क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ हमारी MS वर्ड की फाइल है तो हम डॉक पर क्लिक करते हैं तो जो हमारे मोबाइल के अंदर जो MS वर्ड की फाइल है वो सारी शो होने लगी। तो यहाँ पर व्हाट इज कंप्यूटर, हम इसमें चेंजेस करना चाह रहे हैं फॉन्ट से रिलेटेड। यहाँ पर हम फॉन्ट का साइज, फॉन्ट का कलर और फॉन्ट का डिज़ाइन हम चेंज करेंगे। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर आपको आना है। ठीक है, आने के बाद अब आपको चेंजेस करने का क्या कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर कलर कुछ आया तो हम इसका कलर भी चेंज करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको करना क्या है, पर्टिकुलर आपको पूरा ही सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल सा जहाँ पर लिखा नहीं है वहाँ पर आपको अपनी फिंगर को प्रेस करके रखना है और दबाना है। दबाते ही यहाँ पर देखिए आइकन बने आएंगे सिलेक्ट एंड सिलेक्ट ऑल। तो यहाँ हमें सभी सिलेक्ट करना है तो हम सभी टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है तो सिलेक्ट ऑल पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ सभी सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नीचे टूल्स आएगा, टूल्स पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए फॉन्ट का साइज आ रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो फॉन्ट का साइज को आप बढ़ा सकते हैं, है ना। तो आपको कितना रखना है वो आप अपने हिसाब से रखिए। ठीक है, एंड यहाँ आते हैं यहाँ से बैक करके। यहाँ पर है फॉन्ट, फॉन्ट का ये डिज़ाइन फॉन्ट चेंज करना है आपको। तो देखिए कमिंग सून फॉन्ट है, हम इसको चेंज करना चाह रहे हैं, कुछ और रखना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे क्विटू मेनू है, ये रखना चाह रहे हैं, ये रखना चाह रहे हैं। तो आप अपने हिसाब से, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। काफ़ी फॉन्ट है, ठीक है, ये यहाँ पर VPS ऑफिस के अंदर मिलती है। एंड बैंक जाएंगे आप, बैंक जाने के बाद यहाँ पर आप बोल्ड इटैलिक भी कर सकते हो। ठीक है, ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको करना करना क्या है। एंड यहाँ से आप थ्री डॉट देखें, थ्री डॉट से आप क्लिक करके यहाँ कलर देख सकते हो। देखिए सभी कलर आपको डिस्प्ले हो जाएंगे, हम यहाँ पर ब्लैक करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर ब्लैक कर देते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर बाहर क्लिक करते हैं, देखिए हमारा कितना चेंजेस हो चुका है, देखिए, है ना। अब दोस्तों आप चाह रहे हो कि मुझे पर्टिकुलर हेडिंग बनानी है तो वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको माउस की फिंगर आपको फिर से प्रेस करना है उसी टेक्स्ट के एरिए में। ठीक है, देखिए मुझे इतना सेलेक्ट करना है तो मैं ऐसे ले जाऊंगा, ठीक है, माउस के फिंगर से। ठीक है, मुझे ऊपर वाला सेलेक्ट करना है तो ऊपर वाला मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए यहाँ से इतना सेलेक्ट कर ली और ले जाएंगे आप ऐसे, यहाँ से फिर से हम ट्राई करते हैं क्योंकि मोबाइल में वर्क करना प्रॉब्लम होती है लेकिन हम इसमें कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं इसमें। ये देखिए यहाँ पर आपको सिलेक्ट करने के लिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, आपको केवल उस एरिया में ही फिंगर को प्रेस करके ड्रैग करना है, मतलब आपको ले जाना है। ठीक है, ड्रैग मतलब इधर उधर रखना है,
करना है। इससे क्या होगा, वो सिलेक्ट होता जाएगा और जहाँ तक आपको करना है वहाँ तक आप छोड़ दीजिए। ठीक है, अब मुझे पर्टिकुलर हेडिंग बनानी है इसकी। फिर से मैं टूल्स के अंदर जाऊँगा, मैं बोल्ड कर देता हूँ इसको एंड यहाँ पर फॉन्ट का साइज कर देता हूँ, यहाँ पर कर देता हूँ 48 और कम कर देता हूँ और कम। ठीक है, एंड यहाँ पर और यहाँ पर अंडरलाइन भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो देखिए हेडिंग बन गई यहाँ पर। ठीक है, अब इसमें और भी आप स्टाइलिश चेंज कर सकते हो। ठीक है, आप नीचे जाएंगे तो आपको और स्टाइल मिल जाएंगे यहाँ पर, है ना। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 6, हेडिंग 10 ये आप कर सकती हो। ठीक है, हमें वही रखना है तो हम यहाँ पर फॉन्ट को सही कर लेते अपने, है ना। तो देखिए, ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, अब आपकी रिक्वायरमेंट क्या है वो आप देखिए। ठीक है, तो हमने इतना चेंजेस करके बताया, अब आपको ज़रूरत है तो आप अपने वही हिसाब से चेंजेस कीजिए। और दूसरी बात दोस्तों, जितना आप चेंजेस किया है ठीक है, उसके बाद ऊपर एक सेव का फंक्शन दिखेगा, जब तक आप सेव नहीं करेंगे आपके चेंजेस यहाँ पर एक्टिव नहीं होंगे। ठीक है, तो आप ज़रूर आप चेंजेस कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर सेव चेंजेस, सेव इस पर क्लिक करना है आपको। देखिए आपने जो कंटेंट सेव किया है सेव हो जाएगा, उसके बाद डन पे क्लिक कर देंगे। बस अब आप अपनी फाइल को आप शेयर कर सकती हो, देख सकती हो। ठीक है, कंप्यूटर में खोलोगे, मोबाइल में खोलोगे, जो आपने चेंजेस किए हैं वो आप शो होंगे इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर हम प्रैक्टिस बता रहे हैं आपको कि आपको अगर ज़रूरत है तो इस तरह से, इस तरह आप अपनी फाइल में फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट का साइज इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा दोस्तों। इसी तरह की एमएस वर्ड से रिलेटेड मोबाइल के अंदर और वीडियो के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। ओके फ्रेंड, थैंक्स एंड बाय बाय।